नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है और सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल शुरू हो गया है और नए साल की शुरुआत हम अपने नए कीबोर्ड माउस कॉम्बो से कर रहे हैं। और ये मैंने एक नया कीबोर्ड माउस जो कॉम्बो मंगवाया है, इसका नाम है लॉजिटेक MK850। लॉजिटेक कंपनी आपको पता ही है, बहुत अच्छी कंपनी है और ये बहुत ही अच्छा प्रो लेवल का जो है कीबोर्ड माउस कॉम्बो है। और प्रो मैं कह रहा हूँ, उसका रीज़न है ये, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कुछ रेट यहाँ पर आपको दिखेगा, 7995 यहाँ लिखा हुआ है। तो बेसिकली 8000 रुपये का ये कीबोर्ड माउस है। ऑलमोस्ट नॉर्मली हम लोग इतना यूजुअली नहीं खर्चते, मैं तो नहीं खर्चता, बाकी पता नहीं मुझे, बहुत लोग, कई प्रोफेशनल लोग बहुत इससे महंगे महंगे 20-30 हज़ार के कीबोर्ड माउस भी यूज़ करते हैं और कई लोग बिल्कुल बहुत हाईली प्रोफेशनल कीबोर्ड भी यूज़ करते हैं जो लाखों लाखों रुपये के भी आते हैं। नॉर्मली जो नॉर्मल यूज़र होते हैं वो लोग आई थिंक 3000, ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार रुपये के आसपास, उससे कम के ही कीबोर्ड माउस यूज़ करते हैं। तो 8000 रुपये का कीबोर्ड माउस लेने का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अनबॉक्सिंग हम साथ में करते हैं इसकी, उसके साथ साथ मैं आपको क्लियर करता हूँ। बॉक्स देख सकते हैं आप, थोड़ा डैमेज्ड है क्योंकि ये जो है ट्रांजिट के अंदर डैमेज हो गया था। और दूसरी बात यह है कि इसको ऑलरेडी ओपन किया जा चुका है, मैंने टेस्टिंग के लिए दिया हुआ था अपने एक टेक्निकल पर्सन को, बट ये वापस से मैं आपको दिखा रहा हूँ बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो इस तरह से आपका कीबोर्ड होता है, एक पैकेजिंग के अंदर है, इसको हम खोल लेते हैं। और ये खोलते ही एक बड़ी ही अच्छी फीलिंग यहाँ पर आती है, जो ये पैड है इसकी, ये पैड के अंदर कुशन है बेसिकली, ये मैं इसे टच कर रहा हूँ तो ये मुझे गद्दे जैसा महसूस हो रहा है, राइट। सो दैट इज़ अमेजिंग थिंग, बहुत अच्छा ये इसको मुझे लगा पकड़ने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये शेप इसकी इस तरह की है, कर्वेचर से मुड़ा हुआ है, तो आपका जो हाथ है वो थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, इस तरह से रहता है आपका हाथ, तो इसके ऊपर आपका हाथ फ्लैट नहीं रहता, उससे हाथ थोड़ा रिलैक्स रहता है, तो दैट इज़ वन गुड थिंग। अनदर गुड थिंग, और इसके अंदर ये जो है यहाँ पर लॉक हैं दो, ये आप खोल सकते हैं, इससे स्टैंड बन जाएगा इसका, हाइट अगर इंक्रीज़ करनी हो उसके लिए, सो दैट इज़ देयर। और फाइनली ये जो है आप खोलेंगे तो यहाँ पर सेल डलते हैं, सेल इसमें ऑलरेडी डले हुए हैं क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलरेडी टेस्टिंग इसकी हो चुकी है। मैंने इसको यूज़ नहीं किया अभी तक, तो मैं अपना पर्सनल रिव्यू आपको दूंगा यूज़ करने के बाद। फिलहाल आपको मैंने दिखाया एक बॉक्स के अंदर ये चीज़ निकलती है और दूसरा निकलता है ये माउस, इसको भी हम यहाँ पर खोल लेते हैं। और जो ये माउस है ये आप देख सकते हैं, माउस की बिल्ड क्वालिटी इस तरह की है, कुछ यहाँ पर 1-2-3 लिखा हुआ है और आपने नोटिस किया होगा कीबोर्ड पे भी 1-2-3 लिखा है। तो ये बेसिकली क्या है कि आप 3 डिवाइसेस को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड में आप देखेंगे 1-2-3, आप जिस भी बटन को प्रेस करेंगे उसके साथ पेयर्ड डिवाइस के आप ऊपर जा सकते हैं। लाइक आप एक मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, साथ में एक पीसी यूज़ कर रहे हैं, साथ में एक अपना टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस तरह से कोई भी 3 डिवाइसेस को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, जो वाया ब्लूटूथ आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। सिमिलरली ये माउस है, माउस के अंदर भी 1-2-3 है, वो इस बटन से कंट्रोल होता है, तो इस बटन को मैं 1 बार 2 बार या 3 बार प्रेस करूँगा तो स्विच करेगा ये अलग अलग डिवाइसेस के बीच में, तो आप कीबोर्ड और माउस दोनों को मल्टीपल डिवाइसेस पे स्विच कर सकते हैं। उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा बटन है यहाँ पर, जो कि आप बेसिकली प्रोग्राम कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये ऑन ऑफ का स्विच है, ऑन ऑफ, अगेन ये यहाँ पर सेल डलता है आपका, चार्जिंग वाला नहीं है ये, सेल डलता है, इसमें बैटरी डलती है। ये जो आपका माउस व्हील है ये थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार, अभी मैं इसे घुमा रहा हूँ, देख रहे हैं नॉर्मली ये रुक जाता है, राइट, आप इसकी साउंड सुनिए। और ये बटन जो है अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये इन्फिनाइट मोड में चला गया, अब मैं घुमाता हूँ तो ये देख रहे हैं घूमता ही जा रहा है और इतना स्मूद है। सो बेसिकली ये काम करते टाइम बहुत ज़्यादा हैंडी हो सकता है, मैं इसे रोक देता हूँ, अगर दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये लिमिटेड स्क्रॉल होगा टक टक टक, और अगर मैं इसे दोबारा प्रेस करता हूँ तो इन्फिनाइट स्क्रॉल पे चला जाता है, तो इसे रोक देते हैं। ये फीचर जो है ये काम करते हुए बहुत हैंडी होने वाला है, ये मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि अर्गोनॉमिक है ये भी, यहाँ पर आपको थंब रेस्ट मिला हुआ है कंप्लीट, बहुत अच्छा ग्रिप के अंदर ये आ जाता है, पकड़ने में अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं, और बिल्ड क्वालिटी वैसे भी सॉलिड लग रहा है। सो इसको भी हम चेक करेंगे, फिलहाल इसे रख देता हूँ। और लास्ट चीज़ जो है यहाँ पर ये है आपका ब्लूटूथ डोंगल, बेसिकली आप इसके थ्रू ही कनेक्ट करने वाले हैं, ये आपके सिस्टम में लगेगा, उससे दोनों का कीबोर्ड माउस कनेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, ये 2 चीज़ें जो 3 ये बटन बने हुए हैं, इससे आप 3 चीज़ें कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक फर्स्ट पे मान लीजिए आपने इससे कनेक्ट कर लिया डोंगल से कंप्यूटर को, सेकंड पे अपना फ़ोन या टैब कनेक्ट कर लिया वो ब्लूटूथ से हो जाएगा, और कोई आपका मैकबुक वगैरह है, कोई लैपटॉप है, वो भी आपका ब्लूटूथ से हो जाएगा, तो 3 डिवाइसेस तक आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो अलग अलग कीबोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर है, मुझे लगता है बहुत यूज़फुल होगा बहुत लोगों के लिए। फिलहाल मैं बॉक्स को साइड में करता हूँ और इसमें, चलो ये तो आपको पता ही है इंस्ट्रक्शंस मैनुअल्स का,
सो दिस इज़ Logitech MK850 कीबोर्ड माउस कॉम्बो। और इसके अंदर जो मैंने आपको बताया फीचर्स, जिसकी वजह से ये इसका प्राइस 8000 के आसपास आता है। और इसको पूरा टेस्ट करके मैंने इसकी रिव्यू वीडियो भी बनाई है, इसको यूज़ करते हुए उसमें दिखाया हुआ है, अलग अलग डिवाइस में कनेक्ट करते हुए दिखाया हुआ है। तो वो अगर आपको देखनी है तो एंड स्क्रीन के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उसका लिंक, और वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं इसका डिटेल रिव्यू, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे इसके बेनिफिट हैं, ये जो स्क्रॉल व्हील है वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं। तो गो चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब आने वाली हो उसकी नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। मेरे पर्सनल चैनल के ऊपर जाकर के भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उन पर भी जाकर के लाइक फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि नया वर्ष जो है आपके लिए उमंग और तरंग भरा रहे, आप कुछ नया सीखें, नया कुछ करें। और इसके अलावा मैं कुछ और नए चेंजेस लेके आ रहा हूँ, दो चैनल्स जैसे अब चल रहे हैं, मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल और ये, तो इनके ऊपर मैं कंटेंट को थोड़ा डाइवर्सिफाई करूँगा। और मैं कुछ चीज़ें जैसे कि मोस्टली शूटिंग रिलेटेड, कैमरा रिलेटेड स्टफ जो है वो अपने पर्सनल चैनल के ऊपर लेकर के आऊँगा निर्देशक राव वाले पे। इस चैनल पे मोस्टली मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें लेके आऊँगा, बाकी एग्जैक्टली मैं कैसे ये चीज़ें करने वाला हूँ उसकी मैं डिटेल वीडियो एक और लेकर के आऊँगा, उसमें आपको पता लग जाएगा किस तरह से मैं दोनों चैनल के ऊपर अलग अलग कंटेंट लाने वाला हूँ। तो दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, दोनों पे नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिए, क्योंकि दोनों के ऊपर ही कंटेंट आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।